वेलकम टू पीजी नेटवर्क। एज यू नो दैट आई एम प्रदीप गिरी। दोस्तों, आपकी फ़ोन में आपकी बहुत सारे पर्सनल सीक्रेट डाटा रहती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी फ़ोन आपके घर वाले या फिर किसी रिश्तेदार ने चेक करती है, तो इसी डर की वजह से शायद मेरा ये डाटा दिखने जाए या फिर किसी दूसरी कारण की वजह से आपको अपनी फ़ोन की फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह डाटा को हाइड करके रखना पड़ता है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, आप नॉर्मली किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके वो काम पूरा करते हैं। लेकिन क्या दोस्तों, आपको पता है आप बिना किसी एप्लीकेशन की मदद से आप अपनी फ़ोन की फ़ोटोज़ वीडियोज़ म्यूज़िक ऑडियो रिकॉर्डिंग कॉल रिकॉर्डिंग मतलब किसी भी तरह के डाटा को हाइड कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहती है बिना किसी एप्लीकेशन की मदद से कैसे डाटा को हाइड करते हैं, तो उसके लिए वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तों। और एक बात, इसी तरह धमाकेदार ट्रिक्स सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि अगले वीडियो में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए जान लेते हैं कैसे बिना किसी एप्लीकेशन की मदद से अपनी डाटा को हाइड कर सकते हैं। आगे हमें अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आप चलते हैं अपनी फाइल मैनेजर पर। यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज पर जाना है। यहाँ पे मुझे एक नया फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, एड न्यू फोल्डर। चलिए अपना चैनल के नाम ही दे देते हैं, पीजी नेटवर्क। क्रिएट फोल्डर, मेरा नया फोल्डर क्रिएट हो गया। अभी मेरा उस फोल्डर पर कोई भी डाटा नहीं है, सो मूव करके उस फोल्डर पर डाटा स्टोर करना पड़ेगा। चलिए ये चार फोटो को मूव कर लेते हैं। मूव टू इंटरनल स्टोरेज, पीजी नेटवर्क, मूव हियर। वो चार फोटो मूव हो गया। चलिए एक बार देख लेते हैं। ये देखिए वो चार फोटो आ गया। अब चलते हैं कोई सा भी वीडियो स्टोर कर लेते हैं। मेरा वीडियो है वीडमेट फाइल के अंदर, वीडमेट डाउनलोड। यहाँ से दो वीडियो ले लेते हैं, दो वीडियो को मूव कर लेते हैं। मूव टू इंटरनल स्टोरेज, पीजी नेटवर्क, मूव हियर। ये दो वीडियो भी मूव हो गया। चलिए एक बार देख लेते हैं। आप देख सकते हैं वो चार फोटो और दो वीडियो आ गया। अब मैं दोस्तों इस फोल्डर को हाइड करके दिखाऊंगा, तो उसके लिए मैंने इस फोल्डर के ऊपर लॉन्ग प्रेस किया। अब रीनेम पर क्लिक किया। रीनेम पर दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, डॉट लगा के सेव करना है, डॉट पीजी नेटवर्क, ओके। तो देखा दोस्तों, जैसे ही मैंने डॉट लगा के सेव किया, उसी तरह मेरा वो फोल्डर हाइड हो गया। अब मेरा वो फोल्डर कहीं नहीं दिखेगा और उसके अंदर डेटा भी कहीं नहीं दिखेगा, गैलरी पर भी नहीं और किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पर भी नहीं दिखाई देगा। अगर आप फिर से वो फोल्डर को देखना चाहती है, तो उसके लिए आप अपनी फाइल मैनेजर की सेटिंग्स पर आइए। यहाँ पे शो हिडन फाइल्स को कर दीजिए टर्न ऑन। अब आप फिर से वो फोल्डर को देख सकती है और उसके अंदर डाटा को भी देख सकती है। ये देखिए दोस्तों, पीजी नेटवर्क फिर से आ गया और उसके अंदर डाटा भी आ गया। अगर आप फिर से इस फोल्डर को अनहाइड करना चाहती है, तो इसके लिए फिर से इस फोल्डर के ऊपर लॉन्ग प्रेस कीजिए, उसके बाद रीनेम पर क्लिक कीजिए। रीनेम, यहाँ पे डॉट को हटा दीजिए, डॉट को हटा के सेव कर दीजिए, ये फोल्डर ऑटोमेटिकली अनहाइड हो जाएगा। ओके, ये फोल्डर अब अनहाइड हो गया। चलिए एक बार देख लेते हैं सेटिंग्स पे जाके, शो हिडन फाइल्स को टर्न ऑफ करके। शो हिडन फाइल्स टर्न ऑफ, इंटरनल स्टोरेज। ये देखिए दोस्तों, ये फोल्डर फिर से अनहाइड हो गया और उसके अंदर डाटा भी आ गया। इसी तरह बिना किसी एप्लीकेशन की मदद से अपने डाटा को हाइड कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।